आज हम धातुओं और अधातुओं के बारे में जानकारी लेंगे। धातुएं और अधातुएं कैसे प्राप्त होती है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास बहुत से पदार्थ हैं। ये पदार्थ तत्व, यौगिक और मिश्रण से बने होते हैं। हम जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं, वह तत्व के अंतर्गत आता है। हमारे आसपास बहुत सी धातुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इन धातुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है और ये कैसे प्राप्त होती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। प्रकृति में बहुत से तत्व हैं जिनकी खोज वैज्ञानिकों के द्वारा की गई और इनके गुणों का अध्ययन किया गया। तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। धातुओं के गुण अधातुओं से भिन्न होते हैं, लेकिन उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। धातु के उदाहरण में आता है सोना। सोना यह धातु है, यह बहुत ही महंगी धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। महिलाएं बहुत ही शौक से सोने के आभूषण बनाकर पहनती है। सोने के तार भी बनाए जाते हैं, यह विद्युत के सुचालक होते हैं। सोने के तार का उपयोग कंप्यूटर में भी किया जाता है। चांदी यह भी एक धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। चांदी के तार भी बनाए जाते हैं। चांदी धातु विद्युत की सुचालक होती है। कंप्यूटर में भी चांदी के तार का उपयोग किया जाता है। लोहा लोहा भी एक धातु है। इसका उपयोग हम अपने आसपास देखते हैं। इसमें मकानों में लोहे का उपयोग किया जाता है, फर्नीचर बनाने में लोहे का उपयोग किया जाता है, कारखानों में, ट्रेनें, बसें, ये सभी लोहे से बनी होती है। एल्यूमिनियम यह भी एक धातु है। हमारे घरों में जो कुकर हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, वह एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। एल्यूमिनियम धातु से तार भी बनाए जाते हैं और बहुत से बर्तन भी बनाए जाते हैं। यह धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तांबा यह भी धातु है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तांबे के पतले पतले तार भी बनाए जाते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु के उदाहरण है कार्बन। अधातु का एक सबसे अच्छा उदाहरण है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यह होती है अधातु। पेड़ पौधों के द्वारा यह हमें प्राप्त होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। इसका प्रतिशत 78% होता है। यह भी अधातु है। इसके अलावा अधातु है सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा और भी बहुत सारी अधातुएं प्रकृति में होती है।